हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंशु राज गुप्ता और आप सभी का स्वागत है अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हीरोइंस इज कॉमनली कॉल्ड एज। हीरोइंस को जो है ना और क्या कहते हैं, कोक कहते हैं, क्रैक कहते हैं या स्मैक कहते हैं या चरस कहते हैं। हीरोइंस को जो है स्मैक कहते हैं। एड्स इज वाइडली डायग्नोसिस बाय। एड्स जो है ना कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, वाइडल टेस्ट से, इलिसा से या पीसी से या क्रोमेटोग्राफी से। एड्स जो है ना इलिसा टेस्ट से जो है ना डायग्नोसिस किया जाता है। एन ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का नाम बताना है। सीड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मायास्थेनिया ग्रेविस या बोथ बी एंड सी। यहाँ पे आंसर होगा बोथ बी एंड सी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मायास्थेनिया ग्रेविस, ये दोनों ऑटो इम्यून डिजीज है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बताना है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या नन ऑफ दीज। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जेंस इज। एलर्जेंस के अगेंस्ट में जो है ना कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, आईजीई, आईजीए, आईजीजी या आईजीएम। एलर्जेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है उसका नाम है आईजीई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। वायरल होना चाहिए और मॉस्किटो से जो है ना ट्रांसमिट होता हो। प्लेग एंड मलेरिया, प्लेग जो है ना ये बैक्टेरियल डिजीज है तो ये आंसर नहीं होगा। येल्लो फीवर एंड लेप्रोसी, ये भी बैक्टेरियल डिजीज है। एलिफेंथियासिस एंड डेंगू, ये भी नहीं होगा। येलो फीवर एंड डेंगू, ये ऑप्शन करेक्ट है। मियोसिस डज नॉट अकर इन, मियोसिस जो है किसमें नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड इंडिविजुअल में या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड इंडिविजुअल में या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड इंडिविजुअल में या ऑल ऑफ दिस में। मियोसिस जो है असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल में नहीं होता है, सेक्सुअल में जो है ना मियोसिस होता है और असेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स इज सीन इन, क्लोन फॉर्मेशन जो है ना किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या दोनों में या नन ऑफ दिस में। क्लोन्स का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्लोन्स कहते किसको है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट के जैसा प्रोजेनी, प्रोजेनी जो है पेरेंट के जैसा सिमिलर होता है उसी को क्लोन्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है ना कौन से ऑर्गेनिज्म में है, हॉर्स फ्लाई, ओफियोग्लोशम, बटरफ्लाई, ओनियन। सबसे ज्यादा ओफियोग्लोशम के पास है, यहाँ पे जो है ना 1260 होगा क्रोमोसोम, 1260 क्रोमोसोम है मियोसाइट्स में, और अगर गैमीट में बोलेगा तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन है उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बोथ ए एंड बी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इन विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड और एक्सटर्नल का मतलब भी है आउटसाइड। इंटरनल यानी अंदर, यानी अगर अंदर बोलेगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, आउटसाइड में बोलेगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में जो है ना क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी या राइबोसोम। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। व्हेन टू गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दे आर कॉल्ड, दो गैमीट है और दोनों एक ही जैसा है, इस प्रकार से अगर दोनों है तो इसको क्या बोलेंगे,
हेट्रोगेमीट बोलेंगे या होमोगेमीट बोलेंगे या आइसोगेमीट बोलेंगे या यहाँ पे कर लीजिएगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। दो गैमीट एक तरह है, इसको क्या बोलेंगे, इसको होमोगेमीट और आइसोगेमीट दोनों बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट नहीं है, राइजोम, रनर्स, ऑफसेट या फ्यूजन। यहाँ पे आंसर होगा फ्यूजन, फ्यूजन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट नहीं है, राइजोम, रनर, ऑफसेट ये तीनों जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट है। टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रोटम इन ए मैमल फोर, टेस्टिस जो है ना स्क्रोटम में डिसेंट होता है मैमल्स में, किस लिए, स्पर्मेटोजिनेसिस के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्पर्मेटोजिनेसिस प्रोसेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल बतलाना है, राइस, एप्पल, मैंगो या बोथ बी एंड सी। पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल बताना है, यहाँ पे आंसर होगा एप्पल एंड मैंगो, एप्पल एंड मैंगो आंसर होगा। पॉलीकार्पिक किसको कहते हैं, एक से ज्यादा बार फ्लावर होता हो। एक होता है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक किसको कहते हैं, सिर्फ एक ही बार जो है ना फ्लावर होता है, एक बार फ्लावर होगा उसको मोनोकार्पिक कहेंगे और एक से ज्यादा बार फ्लावर होगा उसको पॉलीकार्पिक कहते हैं। राइस, राइस जो है ये मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है, एक ही बार जो है ना फ्लावर होता है उसके बाद इसको काट दिया जाता है। विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट, ह्यूमन गैमीट में जो है ना कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, 21, 23, 44, 46। ह्यूमन गैमीट में क्रोमोसोम जो है ना 23 रहता है। हाउ मेनी स्पर्म आर रिलीज इन वन इजैक्युलेशन, एक इजैक्युलेशन में कितना स्पर्म रिलीज होता है, 1 मिलियन स्पर्म, 200 मिलियन स्पर्म, 100 मिलियन स्पर्म या 500 मिलियन स्पर्म। एक इजैक्युलेशन में 2 to 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज होता है, 2 to 3 ml जो है सेमेन रिलीज होता है और 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म रहता है। तो यहाँ पे जो है ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म आंसर होगा और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 200 मिलियन स्पर्म, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एंट्रम इज ए कैविटी ऑफ, एंट्रम जो है ना ये किसका कैविटी है, ओवरी का, ग्रेफियन फॉलिकल्स का, ब्लास्टुला का या गैस्ट्रुला का। एंट्रम जो है ये ग्रेफियन फॉलिकल का कैविटी है। द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, ब्लास्टोसील, सिलोम, होमोशील या ऑल ऑफ दीज। ब्लास्टुला का कैविटी बताना है, ब्लास्टुला का कैविटी है ब्लास्टोसील। गेस्टेशन पीरियड इन ए ह्यूमन फीमेल इज, ह्यूमन फीमेल का गेस्टेशन पीरियड बताना है, 30 days, 90 days, 9 month या 7 month। गेस्टेशन पीरियड जो है ह्यूमन फीमेल में ये होता है 9 month का। पॉलिनेशन इन ए लोटस इज, लोटस में जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या ऑल ऑफ दिस के थ्रू। लोटस में जो पॉलिनेशन होता है वो है इंसेक्ट के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेट, राइजोम, ऑफसेट, सकर, जूस्पोर। यहाँ पे आंसर होगा जूस्पोर, जूस्पोर जो है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नहीं आता है, जूस्पोर जो है स्पोरुलेशन प्रोसेस में आता है। एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन जो है किसमें नहीं होता है। एनिमोफिली कहने का मतलब है पोलिनेशन बाय विंड, विंड से पोलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं। ग्रास, वीट, मैज, सल्विया, ग्रास, वीट और मैज ये तीनों में जो पोलिनेशन है वो होता है बाय विंड, यानी ये जो है ना एनेमोफिली है, लेकिन सल्विया जो है ये एनेमोफिली नहीं है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इम्ब्रियो फॉर्म्स ब्लैंक्स लेयर, इम्प्लांटेशन के बाद इम्ब्रियो जो है ना कितना लेयर बनाता है,
1, 2, 3, 4 टोटल से थ्री लेयर बनाता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, टोटल से तीन लेयर बनाता है। इम्ब्रियो कंटेन 8 सेल, इम्ब्रियो जो है ना इसके पास कितना सेल है, 8 सेल है, इसको क्या बोलेंगे, मोरियुला, ब्लास्टुला, ट्रोफोब्लास्ट या नन ऑफ दीज, इसको मोरियुला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोरियुला बोलते हैं। यही अगर 64 to 128 सेल अगर रहता तो इसको ब्लास्टुला बोलते हैं। हाउ मेनी पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड इन ऊजिनेसिस, ऊजिनेसिस में जो है ना कितना पोलर बॉडी बनता है, 3, 2, 1 या 5, टोटल से दो पोलर बॉडी बनता है, एक फर्टिलाइजेशन से पहले और एक फर्टिलाइजेशन के बाद, टोटल से दो पोलर बॉडी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, कौन सा डिजीज होता है फीमेल मॉस्किटो को बाइट करने से, फिलेरियासिस, एमोबियासिस, टाइफाइड या निमोनिया। यहाँ पे आंसर होगा फिलेरियासिस, फिलेरियासिस होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लास्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये किसमें होगा, यहाँ पे टोटल से दो होस्ट है, दो होस्ट है, एक यहाँ पे है मॉस्किटो और दूसरा यहाँ पे है ह्यूमन, तो यहाँ पे जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, यहाँ पे मेल से तो रिलेटेड आंसर नहीं होगा, अब बचा ह्यूमन और फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल एनोफिल मॉस्किटो में होता है, लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछे तो आंसर यहाँ पे होगा ह्यूमन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो में, और एनोफिल मॉस्किटो से ही जो है मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन ए ह्यूमन, बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताना है, डिसेंट्री, मलेरिया, प्लेग या बोथ ए एंड सी। डिसेंट्री और प्लेग ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअल डिजीज है। टाइफाइड इन ए ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड जो है ना कैसे कॉज होता है, प्लास्मोडियम वाइवैक्स से, ट्राइकोफाइटन से, सेल्मोनिला टाइफी से, राइनो वायरस से। टाइफाइड जो है ये सेल्मोनिला टाइफी से होता है और ये जो है ना बैक्टीरियल डिजीज है और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। गोल्डन राइस इज येल्लो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, गोल्डन राइस जो है ये येल्लो कलर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण, राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, विटामिन B1 या कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल। गोल्डन राइस जो है ये येल्लो कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इज, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या है, एंटासिड है या एंजाइम है, या इसको यूज किया जाता है अर्थराइटिस ट्रीटमेंट में, या इसको यूज किया जाता है इम्फाइसेमा ट्रीटमेंट में। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है ये इम्फाइसेमा ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन स्टडी को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, पॉप्योग्राफी, टीनोग्राफी, ओलिगोग्राफी। पॉपुलेशन स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पेसिस इज कॉल्ड, सेम स्पेसिस का है, सेम स्पेसिस है उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या ऑल ऑफ दिस। ऑर्गेनिज्म है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, लेकिन बहुत सारे जो है ना यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है लेकिन एक ही स्पेसिस का है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। यही यहाँ पे सेम के जगह अगर डिफरेंट स्पेसिस अगर रहता तो यहाँ पे बोलते हैं कम्युनिटी। विजिबल रेंज ऑफ EMS इज, विजिबल रेंज बताना है, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर या नन ऑफ दिस। विजिबल रेंज जो है ये होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। लाइफ ओरिजिनेट इन, लाइफ जो है कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, टेम्परेचर में,
वाटर में या लाइट में या नन ऑफ दिस में। लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हुआ है वाटर में। लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर इज, बायोस्फेयर का लिविंग कंपोनेंट बताना है, प्लांट एनिमल माइक्रोब्स या ऑल ऑफ दिस। लिविंग कंपोनेंट ये तीनों है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर का नाम बताना है, टेम्परेचर, वाटर, एयर या ऑल ऑफ दिस। ये तीनों जो है क्लाइमेटिक फैक्टर है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एडेप्टेशन में भी, एडेप्टेशन जो है ये क्या है, बिहेवियरली होगा या मॉर्फोलॉजिकली होगा या फिजियोलॉजिकली होगा, ये ऑल ऑफ दिस से होगा। एडेप्टेशन ये तीनों से होगा, बिहेवियरली भी होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी होता है और फिजियोलॉजिकली भी होता है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्कीज इज, बेसिक यूनिट बताना है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इंडिविजुअल। बेसिक यूनिट है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा इंडिविजुअल। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी हेकल, मिश्रा, राइटर या बैंथम। इकोलॉजी के फादर हैं हेकल। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, सबसे पहला नेशनल पार्क, गिर, कन्हा, जिम कॉर्बेट या काजीरंगा। सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। एडिंग ऑफ प्राइमर एट अ थ्री इंड नोन एज, थ्री इंड पे प्राइमर ऐड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, स्प्लाइसिंग या इलोंगेशन। इसको एनेलिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लास्टिड, प्लास्टिड का नाम बताना है, बाम एच वन, इको आर वन, पी बी आर 322 या हिंद 2। प्लास्मिड जो है, प्लास्मिड यहाँ पे है पी बी आर 322। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वेयर इंट्रोड्यूस इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन बुलबॉम। कौन सा जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉटन में, जिससे कॉटन बुलबॉम से प्रोटेक्ट करता है, कॉटन को कॉटन बुलबॉम से प्रोटेक्ट करता है। क्राई ए सी एंड क्राई ए बी, बी टी ए सी एंड बी टी ए बी या क्राई वन ए सी एंड क्राई वन वन ए बी या नीफ जीन। कौन सा जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे आंसर होगा क्राई वन ए सी एंड क्राई वन वन ए बी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप का नाम बताना है, पी, कॉटन, टोमेटो या टोबैको। सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है, सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप है कॉटन। रीजेंट यूज्ड इन इलिसा टेस्ट, रीजेंट जो है यूज किया जाता है, इंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, परऑक्सीडेज या लाइगेज। यहाँ पे आंसर होगा परऑक्सीडेज, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, परऑक्सीडेज होगा। इन अ बीटी कॉटन, अ ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी रेफर्स टू, बीटी का मतलब क्या है, यहाँ पे बीटी का मतलब क्या है, बोटैनिकल है या बैसिलस थुरिंजिनेसिस है या बायोटेक्नोलॉजी है या नन ऑफ दिस है। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। एडैपिक फैक्टर रेफर टू, एडैपिक फैक्टर वाटर होगा या सॉइल होगा या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा या एल्टीट्यूड होगा। एडैपिक फैक्टर होता है सॉइल। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में जो है ना कौन सा विटामिन प्रेजेंट रहता है, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। यहाँ पे आंसर होगा विटामिन ए। नॉर्मल इम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, यूनिसेलुलर होता है या पेंटासेल्ड होता है या बाईसेल्ड होता है या सेवन सेल होता है। नॉर्मल इम्ब्रियो सैक कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से जो है इम्ब्रियो सैक होता है। तो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया और एक ये पूरा सेवन हो गया, यानी सेवन सेल्ड होता है। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ, गाइनोसियम जो है ना किससे बना हुआ है, स्टिग्मा से, स्टाइल से या ओवरी से या ऑल ऑफ दिस से। गाइनोसियम ये तीनों से बना हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस, मियोटिक जो है ना किसमें होगा, मियोटिक का मतलब है मियोसिस, मियोसिस जो है किसमें होगा, मियोसिस किसमें होगा।
न्यूसिलस में, मेगास्पोर में, मेगास्पोर मदर सेल में या आर्चियोस्पोरियम में? मियोसिस होता है मेगास्पोर मदर सेल में, ये डिप्लॉयड होता है और इससे बनता है मेगास्पोर जो हैप्लॉयड होता है, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है माइटोसिस स्टार्ट होता है। फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी, बीएम जोहरी, बीजीएल स्वामी या आरएन कपिल या पंचनन महेश्वरी? इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर, यहाँ पे आंसर होगा पंचनन महेश्वरी। इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर के पास जो है 10 जूल एनर्जी है, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी होगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये है यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर का एनर्जी हमें बताना है, और यहाँ पर का एनर्जी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 10 जूल दिया हुआ है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी जाएगा, टोटल से जो है ना इसका 10% जाएगा, यानी 10 जूल का 10% निकालना है। 10 जूल का 10% होगा 1, यानी 1 जूल प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, 1 जूल प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1 जूल है। तो उसके बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी 1 जूल का 10% सेकेंडरी के पास जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 0.1, 0.1 आंसर होगा, 0.1 जूल। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये किस पे डिपेंड करता है? लाइट एंड टेम्परेचर पे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर पे, या ऑल ऑफ दिस पे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये सभी पे डिपेंड करता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए डेंस वेजिटेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, स्पेसीज कंपोजिशन, स्टैंडिंग क्रॉप या ट्रॉपिक स्ट्रक्चर? इसको जो है इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, टर्म इकोसिस्टम ओड्रम, टेंसले, लिंडमैन या इल्टन कौन दिए थे? इकोसिस्टम टर्म जो है ये टेंसले दिए थे। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रैन, 100 पोलन ग्रैन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कितना मियोसिस होगा तब जाके 100 पोलन ग्रैन बनेगा? 100 टाइम मियोसिस होगा, या 25 टाइम मियोसिस होगा, या 200 टाइम मियोसिस होगा, या 120 मियोसिस होगा, कितना बार मियोसिस होगा? यह है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे जो है ना ये मियोसिस हुआ, और मियोसिस हुआ इससे बना 4 पोलन ग्रैन, यानी एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रैन बना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 25 टाइम अगर मियोसिस होगा तब जाके 100 पोलन ग्रैन बनेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पार्थिनोजिनेसिस, हेस्टेरोस्टाइल, पार्थिनोकार्पिक या एगेमोस्पर्मी? इसको पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। व्हेन मोर देन वन इम्ब्रियो सैक इज फाउंड इट इज कॉल्ड, एक से ज्यादा इम्ब्रियो सैक है इसको क्या बोलेंगे? इम्ब्रायोजेनी, एम्फीमिक्सिस, पोलीइम्ब्रायोनी या एगेमोस्पर्मी? इसको पोलीइम्ब्रायोनी बोलते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो है ये कब इफेक्टिव होगा? 72 आवर ऑफ क्वार्टस के अंदर ले लेने से, या 72 आवर ऑफ ओव्यूलेशन, या 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो है ये इफेक्टिव होगा 72 आवर ऑफ क्वार्टस के अंदर। एम टी पी आर सेफ टिल, एम टी पी जो है ना ये कब तक सेफ रहता है?
एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 5 मंथ तक सेफ रहता है या 2 मंथ तक रहता है या 1 मंथ तक रहता है या 3 मंथ तक रहता है? एमटीपी जो है ये सेफ रहता है 3 मंथ तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी? एसटीडी नहीं है। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनेरिया, एड्स, टाइफाइड, जेनाइटल हर्पीस। एसटीडी नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है एसटीडी नहीं है। द बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज नॉट यूज बाय द वोमेन इज? वोमेन के द्वारा जो है डिवाइस यूज नहीं किया जाता है। डायफ्रागाम, ओरल पील्स, निरोध या कॉपर टी। डायफ्रागाम यूज किया जाता है, ओरल पील्स भी यूज किया जाता है और कॉपर टी भी यूज किया जाता है, लेकिन निरोध, निरोध को जो है ना कॉन्डम बोलते हैं और ये जो है वोमेन के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द डिफरेंट टाइम नोन एज? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग टाइम पे जो है मैच्योर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? हार्कोगैमी बोलेंगे या डाइकोगैमी बोलेंगे या पॉलीगैमी बोलेंगे या एपोगैमी बोलेंगे? डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा है, इसको डाइकोगैमी बोलते हैं। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड? स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल्स, कैरुनिकल्स, पेडिसल्स या न्यूसिलस? स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल्स कहते हैं। इन द वीट पोलिनेटिंग एजेंट इज? पोलिनेटिंग एजेंट का नाम बताना है। विंड, इंसेक्ट, वर्ड या मैन? वीट में पोलिनेशन जो है होता है विंड से। अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज? स्टरलाइजेशन मेथड का नाम बताना है। IUDCB या डायफ्रागाम या ट्यूबेक्टोमी या लूप्स? स्टरलाइजेशन मेथड का नाम है ट्यूबेक्टोमी। एक होता है वैसेक्टोमी और यहाँ पे एक ट्यूबेक्टोमी, दो स्टरलाइजेशन मेथड है। विच ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस से होता हो, गोनोरिया, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस या साइफिलिस? रेट्रोवायरस से जो है एड्स होता है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल इज? मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताना है। अबॉर्शन, ओरल पील्स, एब्स्टिनेंस या स्टरलाइजेशन? मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा स्टरलाइजेशन। अबॉर्शन जो है ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। एमनियोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन एनी डिजीज इन द हार्ट या नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन या डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो या ऑल ऑफ दीज? एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस का मतलब है डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो, किसी भी प्रकार का हेरिडिटरी डिजीज है उसको डिटरमाइन करता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ये। चैनल पर जो भी नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।